उसका दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों क्या बाजीगर 2 बनने वाली है? ये खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक हाल ही में एक इंटरव्यू में बाजीगर के 1993 में आई थी शायद, तो उसके डायरेक्टर अब्बास मस्तान से जब किसी ने पूछा कि आप बाजीगर बनने वाले हैं, बाजीगर 2 बनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जरूर बनाएंगे हम। लेकिन साथ में उन्होंने पूछने वाले को भी बोल दिया कि आप हमें स्क्रिप्ट दे दो, कहानी दे दो, हम बनाएंगे जरूर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मजाक सी बात हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि बाजीगर एक ऐसी फिल्म में जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, शाहरुख खान थे उसमें, और शाहरुख खान डर के बाद में शायद ये फिल्म आई थी उनकी, या बाजीगर पहले आई थी मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और नेगेटिव जोकर रोल में एक नेगेटिव किरदार था शाहरुख खान का, और काफ़ी चले थे शाहरुख खान, काफ़ी फेमस हुए थे इन फिल्मों के बाद में, बड़े सुपरस्टार बने थे। तो एक घोड़े वाला सीन भी था, उसके बारे में भी अब्बास मस्तानी ने क्लियर किया कि जो घोड़े का सीन है वो शाहरुख खान की डुप्लीकेट से कराया गया था, शाहरुख खान नहीं थे वो, क्योंकि शाहरुख खान को घोड़े पे शूटिंग करना डर लगता है, उनके मन में डर बैठा हुआ है, फोबिया उनको घोड़े पे शूटिंग करने की, तो एक डुप्लीकेट से फिल्म गया। हालांकि किसी को पता नहीं चला इतने वर्षों के बाद में आज अब अब्बास मस्तानी ने रिवील किया है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि जब उनसे बाजीगर 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा डेफिनेटली वो बनाना चाहेंगे, स्क्रिप्ट पे तैयारी हो रही है, अगर अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो जरूर बाजीगर 2 बनना चाहेंगे। और साथ में उन्होंने भी कहा कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ वे अक्षय कुमार को लेना चाहेंगे, अक्षय कुमार शाहरुख खान दोनों साथ आते हैं और बाजीगर 2 बनती है तो फिर आप कल्पना कीजिएगा कि फिल्म कितनी बड़ी, मतलब एक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हो सकती है, क्योंकि एक तो प्लॉट बहुत ज़बरदस्त है, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरा फिर शाहरुख और अक्षय कुमार दो सुपर स्टार अगर एक साथ आते हैं फिल्म में तो फिर तो आप जान सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस फिल्म कितना ज़बरदस्त कमाल कर सकती है, ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो अब्बास मस्तान के दिमाग में डेफिनेटली बाजीगर 2 है, अब कब अनाउंस होती है और कब बनाते हैं, किसी किन स्टार कास्ट के साथ बनाते हैं, शाहरुख क्या तैयार होते हैं काम करने के लिए, अक्षय कुमार साथ आने के लिए तैयार होते हैं, ये सब सवालों के घेरे में है। जल्दी इनके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। जय श्री राम, जय बोल रहे हैं।